हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजनीति से संबंधित जो विचार प्रस्तुत किए वो राजनीति विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। भारत में राजतंत्रीय और गणतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में स्थापित शासन व्यवस्थाओं से काफ़ी पुरानी है और भारतीय राजनीतिक विचारकों ने जो विचार प्रस्तुत किए वो यूनान के महान दार्शनिकों सुकरात, अरस्तु, प्लेटो इन सबसे काफ़ी पुराने हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु, कौटिल्य और शुक्र का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित संगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। आशा है आज का ये वीडियो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों साथ साथ राजनीतिक चिंतन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनु का जीवन परिचय क्या है, उनके जीवन के बारे में क्या कथाएं हैं। मनु के जीवन काल के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि जल प्लावन के पश्चात मनुष्यों में केवल मनु ही बचे थे, इसीलिए मनु को आधुनिक मानव सभ्यता का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। पौराणिक कथाओं में मनु परंपरा का उल्लेख भी मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्थाओं और विधि की संहिताबद्ध प्रस्तुति के प्रतीक बन गए थे और मनु परंपरा के अंतर्गत किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की। राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में स्मृति साहित्य का विशेष महत्व है और स्मृतियों में मनुस्मृति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुस्मृति के रचनाकाल के बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। मनुस्मृति की रचनाकाल के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार, इनका ये मानना है कि मनुस्मृति का रचनाकाल 150 ईस्वी पूर्व है। दूसरे विचारक डॉक्टर हंटर, इनका ये मानना है कि मनुस्मृति जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से प्राचीन नहीं है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति को चौथी शताब्दी के बाद के किसी समय के माना है। इसी प्रकार मैक्स मूलर के शिष्य और इनके ग्रंथों के संपादक जॉर्ज बुहलर का मानना था कि मनुस्मृति दूसरी शताब्दी में अस्तित्व में थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति के रचनाकाल में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना था कि मनुस्मृति का ज्ञान मनु से नारद से मार्कंडेय को, मार्कंडेय से समुति भार्गव को और समुति भार्गव से भृगु ऋषि को मिला और भृगु ऋषि के द्वारा मनुस्मृति का संकलन किया गया। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों में किन किन विषयों को समाहित किया गया है, आइए एक नजर डालते हैं। मनुस्मृति के पहले अध्याय में संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, जिसमें जगत की उत्पत्ति, भूलोक, अंतरिक्ष ज्ञान, नदी, समुद्र की उत्पत्ति आदि का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन, धर्म उपदेश, सदाचार, चार आश्रम। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की महिमा, गृहस्थ कर्तव्य, पंच महायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि का उल्लेख किया गया है। चौथे अध्याय में मनुष्यों का नित्य कर्मों का वर्णन, करने और न करने योग्य कार्यों का विवरण। पांचवें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ, मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम दिए गए।
छठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख है। सातवें अध्याय में राजधर्म, राज व्यवस्था, प्रशासन के नियम। आठवें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया और दंड के नियम का उल्लेख किया गया है। नवे अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधियां, संपत्ति का विभाजन और अपराधों का निवारण का उल्लेख किया गया है। दसवें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, आपत्ति काल में मनुष्य के क्या कर्तव्य होंगे इसका उल्लेख है। ग्यारहवें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि और बारहवें अध्याय में कर्मों के अनुसार मनुष्य की तीन उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारिक गतियां, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों का विवेचन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के बारे में, संप्रभुता का क्या आधार था, धर्म और दंड के बारे में और साथ साथ राज्य के साप्तांग सिद्धांत के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनुस्मृति में क्या उल्लेख किया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में। मनुस्मृति में राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि जब राजा नहीं था तब भय से व्याकुल प्रजा के लिए परमात्मा ने राजा की सृष्टि की। मनुस्मृति के सातवें अध्याय के श्लोक 1-7 में उल्लेख किया गया है कि राजा अपनी सत्ता में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है, इसीलिए राजा की शक्ति का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। मनुस्मृति के सातवें अध्याय के 8वें श्लोक में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि राजा के पद पर कोई बालक भी प्रतिष्ठित है तो उसका भी कोई अपमान ना करे। इसी के साथ साथ राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया गया है और यह कहा गया है कि जो दिव्यता है वो राज सत्ता की है न कि राजा की। शासक के जो दिव्य गुण हैं उसके दायित्वों के रूप में व्यक्त करते हुए मनुस्मृति में दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है। इंद्रव्रत, सूर्यव्रत, वायु व्रत, वरुण व्रत, चंद्र व्रत, अग्नि व्रत और पृथ्वी व्रत। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक 304-312 में इन दिव्य व्रतों को उल्लेखित किया गया है। इसके अनुसार इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, चंद्र, अग्नि और पृथ्वी जो इनके गुण हैं वो गुण राजा में व्रत के रूप में परिलक्षित होने चाहिए। जैसे इंद्र वर्षा करके जनता का मनोरथ पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार राजा जो है वो भी अपने देश की रक्षा करे। सूर्य व्रत, जैसे सूर्य अपने तेज से पृथ्वी का जल खींच लेता है, उसी प्रकार राजा जो है वो भी प्रजा को दुख न देकर राज्य करे। जिस प्रकार से वायु सभी प्राणियों में विचरती है, उसी प्रकार राजा दूतों से बराबर समाचार लेता रहे। जिस प्रकार से अपराधियों को अपने पास में वरुण बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी पापियों को दंड दें। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर सभी खुश होते हैं, उसी प्रकार राजा को देख करके भी सभी खुश हों। अग्नि की तरह पापियों पर प्रताप रखें और पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए सभी प्राणियों में समभाव रखें। तो इस प्रकार से दिव्य व्रतों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति में संप्रभुता का क्या आधार था, धर्म और दंड की क्या व्यवस्था थी, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संप्रभुता का आधार धर्म और दंड। मनुस्मृति में धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो राज्य है वो धर्म पर आधारित जो मापदंड है उनको स्थापित करने वाली एक संस्था है और धर्म की परिधि में नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत सिद्धांत, प्रजा के कल्याण के लिए शासक के सकारात्मक दायित्व और शासकीय शक्तियों का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाएं धर्म की परिधि में आती हैं। मनुस्मृति में राज्य और धर्म दोनों को परस्पर निर्भर बताया गया है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है और धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत ढांचे के बिना धर्म असुरक्षित है। अब देखते हैं दंड को। धर्म के नैतिक बल को लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंबन की आवश्यकता होती है और ये भौतिक अवलंबन जो है वही दंड है जो धर्म को बाध्यकारी रूप से प्रवर्तित करने की शक्ति रखता है। राजा जो है वो दंड का स्वामी नहीं बल्कि उसका अभिकर्ता है और वो भी दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन आता है। राजा के द्वारा विधि के अधीन रहते हुए दंड का उपयोग करना चाहिए। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के श्लोक 127 और 128 में दिया गया है कि अन्याय से दंड देना इस श्लोक में यश और कीर्ति का नाशक है और परलोक का बाधक है। इस प्रकार से मनुस्मृति में राज्य और शासक के मध्य अंतर भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए
तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि वहाँ पर एक जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। मनुस्मृति में अध्याय 9 में श्लोक 294 में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, स्वाम्य मात्यो पुरम राष्ट्रम कोषदंडो सुहर्तथा सप्त प्रकृतियो हेता सप्तांग राज्य मुच्यते। मनुस्मृति में राज्य के जो घटक हैं इसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है और 7 प्रकृतियां स्वीकार की गई हैं। इसमें स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र, ये 7 प्रकृतियां स्वीकार की गई हैं। मनुस्मृति के ही अध्याय 9 के श्लोक 295 में प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो राज्य की इन 7 प्रकृतियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं राज्य के 7 घटकों या जिसको प्रकृति नाम दिया गया है उसके बारे में अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है स्वामी। राज्य जो है वो स्वामी है। नैतिक गुणों और प्रशासनिक क्षमता से युक्त राजा जो है वो राज्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना राजा के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। और राज्य की समस्त शक्ति जो है वो राजा में है और राजा जो है वो संप्रभु होगा। दूसरा घटक राज्य का है मंत्री। नहीं, राज्य का जो समस्त कार्य होगा वो मंत्रियों के द्वारा होगा। जो शासन की शक्ति है वो राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि उस शक्ति को राजा जो है वो अपने कुशल मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा। इन मंत्रियों के गुणों और योग्यताओं का विस्तृत उल्लेख जो है मनुस्मृति में किया गया है। तीसरा घटक है पुर। पुर अर्थात राज्य की राजधानी। मनुस्मृति में राज्य की राजधानी के लिए अति सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि राजधानी जो है वो एकदम सुरक्षित हो, वहां पर सुरक्षित दुर्ग हो। दुर्गों की श्रेणियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, धन वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। इस प्रकार से मनुस्मृति में दुर्गों की श्रेणियों पर भी चर्चा की गई है। अगला घटक है राज्य। राज्य शब्द का प्रयोग जो है उपयोग वो जनपद के अर्थ में किया गया है। राज्य में क्या क्या आएगा, इसकी सीमा में आने वाली भूमि और जनता जो है वो इसकी सीमा में आती है। कोष, कोष को सप्तांग सिद्धांत में राज्य के लिए बहुत आवश्यक बताया गया है और ये कहा गया है कि इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। दंड, राज्य की सुरक्षा के लिए दंड आवश्यक है। सेना को साधन संपन्न बनाना राजा का कर्तव्य है। सेना में हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मित्र, मित्र को भी सप्तांग सिद्धांत में शामिल किया गया और यह कहा गया है कि चूंकि राज्य की स्थिति शून्य नहीं होती है इसलिए उसको दूसरे राज्यों से संबंध बनाना जरूरी होता है और मित्र जो है वह ऐसे हों जो कठिन परिस्थिति में राजा को, राजा की सहायता कर सके, राजा की मदद कर सके। तो ये थे संक्षेप में राज्य के सप्तांग सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की मनुस्मृति में राज्य की प्रकृति और राज्य के सप्तांग सिद्धांतों आदि के बारे में। इसी श्रृंखला में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मनु के द्वारा व्याख्या की गई सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परराष्ट्रीय नीति आदि के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी पा सकें। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।